तो कैसे? बढ़िया, एक नंबर। आप जितने अच्छे, आज का टॉपिक उतना ही अच्छा। टॉपिक का नाम है फंक्शंस, और आज हम फंक्शंस को आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, तो आप बने रहें। और ये मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, जो जेई एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इनके डोमेन और इनके रेंज और फंक्शन के टाइप्स, बहुत सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में सारी बातों को अच्छे से समझें। तो फंक्शन को हमने कुछ लेक्चर्स में कैटेगराइज किया है, तो आज इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि हम कैसे कैसे, क्या क्या फंक्शन में स्पेशियलिटी है, फंक्शन की क्या क्या खूबी है, फंक्शन में क्या क्या सुंदरता है, और फंक्शन का कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होगा। जैसे आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, और थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स फंक्शन इज एवरीवेयर। इसीलिए ये बेसिक टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक है। ज़्यादा समय लेते नहीं लेते हुए मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स ओनली। तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। और देखिए, तो फंक्शन बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन के लिए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फिर सवाल उठता है कि व्हाट इज द रिलेशन? तो रिलेशन, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, आप बेसिक बेसिक बातों से मैं समझाऊंगा, आपको बेस से ले जाऊंगा और आगे तक ले जाऊंगा, और सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यू डोंट वरी। देखिए, व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या चीज है? तो ए इज अ सेट, बी इज अनदर सेट। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। टू सब सेट्स ए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। तो रिलेशन इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर व्हाट? तो ए और बी क्या चीज है? ए एंड बी आर सबसेट्स, ए सॉरी ए एंड बी आर सेट्स, ए एंड बी आर सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं, और सेट्स यू नो वेरी वेल कि सेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उस पर ज्यादा डिस्कशन करना नहीं। तो रिलेशन इज व्हाट? अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कब? जब रिलेशन कहाँ से कहाँ है? जब रिलेशन ए से बी में है। व्हेन रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जब रिलेशन ए से बी में है। यानी रिलेशन ए से बी में कैसा हो सकता है? तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4। अब यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी डी ई। अब वन का ध्यान से देखें, ये ए क्रॉस बी क्या होगा? तो क्रॉस बी में 1, a, ए क्रॉस बी आपको मालूम है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं? ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू व्हाट? ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ए क्रॉस बी के। तो इसमें ये सारे आएंगे, ये देखिए 1, a, 1, b, 1, c, 2, a, ये सारे केसेस आएंगे, सारे केसेस आएंगे। अब रिलेशन क्या चीज है? तो रिलेशन के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो रिलेशन के लिए जब ये, व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी समझ में आ गया आपको कि सारे केसेस, जितने भी ए के एलिमेंट्स थे वो यहाँ आएंगे, जितने भी बी के एलिमेंट्स थे वहाँ आएंगे, और सारे एलिमेंट्स इसमें कवर होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी व्हाट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में 5, बी में 10। तो ध्यान से, जैसे मैंने देखो आपको बताया था कि इसका सबसे कनेक्शन होगा, अगर मान लो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, और इसमें 10 है, तो इसका सारे 10ों से होगा, इसका भी सारे 10ों से होगा। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 5 इंटू 10, 50 एलिमेंट्स होंगे। और रिलेशन इज व्हाट?
रिलेशन इज अ सबसेट. तो रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो सबसेट्स कितने होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा पावर सेट, जब पढ़ा होगा तो सबसेट भी पढ़े होंगे कि अगर आपको सबसेट बनाना है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए या पी ले लें, पी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी. पी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर मान लीजिए पी में दो एलिमेंट हैं तो सबसेट्स उसके बनेंगे 2^2, 4. तीन एलिमेंट है तो 2^3, 8. चार एलिमेंट है तो 2^4, 16 एलिमेंट्स आएंगे. तो ये थी बात सबसेट की. आप नोट भी करते जाएं क्योंकि मैं इनको साइमल्टेनियसली मिटाते जाऊंगा. तो ये मैंने रब कर दिया. तो रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ व्हाट? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. क्यों? मैंने आपको बताया अगर ये इसका सबसेट है, कोई भी किसी का सबसेट है, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं? तो अगर पी कोई सेट है तो इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी. 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी. तो नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2^2 एन ए क्रॉस बी. एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. ये आपको मालूम होगा, इसलिए हम इसके आगे से जाएंगे. तो रिलेशन क्या चीज है? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेता हूँ कि रिलेशन, फिर उसके बाद हम फंक्शन पे आ जाएंगे. रिलेशन में एक रिलेशन लिया x, y such that x is less than y on, on ये नया शब्द है, on रिलेशन on a 1, 2, 3. छोटा सा सेट लेते हैं, छोटे से सेट में ही आप समझ जाएंगे क्योंकि हमें फंक्शन ज़्यादा ध्यान से देखना है. तो ध्यान से देखिए, तो रिलेशन on का क्या मतलब है? अभी हमने बोला था कि R कहाँ से कहाँ है? A से B में है. R on A का मतलब होता है कि R is defined from A to A only. इसका मतलब ध्यान से सुनो, अगर R A से B में defined है तो A cross B निकालना है. अगर R A से A में defined है तो क्या निकालना है हमें? तो हमें क्या निकालना है? हमें A cross A निकालना है. A cross A में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? मैं इसके वही 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3 सारे केसेस आएंगे. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ये सारे केसेस आएंगे हमारे पास. किसके अंदर आएंगे दोस्तों सारे केसेस? ये सारे केसेस आएंगे ए क्रॉस ए में. पर आर में कौन से केस आएंगे? तो आर में तो वही केस आएंगे कि जिसमें एक्स लेस देन वाई हो. तो ये वाला केस आएगा, ध्यान से देखो, ये वाला केस आएगा, ये वाला केस आएगा, ये वाला केस आएगा, और बस ये केसेस आ गए आपके पास. तो ये आ गया आर के अंदर एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 1, 3, 2, 3, दैट्स ऑल. ये सारे केसेस आ गए. अब अगर इनका वेन डायग्राम बनाएंगे हम, तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान से देखो, ये आ गया 1, 1 का एसोसिएशन किससे है? 1 का एसोसिएशन 2 से है, 1 का 1 से नहीं है. इसके अंदर ए, ध्यान से फिर से देख लेते हैं अपन एक बार, तो छोटी सी बात और क्लियर हो जाएगी आपको. ए क्या था आपका? ए था 1, 2, 3. अब यहाँ से देखें, ये क्या था? बी था आपका. बी में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1, 2, 3 थे. 1 का एसोसिएशन किससे है? 2 से. 1 का एसोसिएशन किससे है? देखिए 1 का 2 से, 1 का 3 से. 2 का किससे है? 3 से है. तो ये जो केस ये है, ये कहलाता है डोमेन. ये क्या कहलाता है? डोमेन. डोमेन किसका? डोमेन ऑफ आर. क्योंकि आपको जब तक आर का डोमेन नहीं समझ में आएगा तब तक फंक्शन का भी डोमेन समझ में नहीं आएगा. तो ये वो सारी वैल्यूज थे जो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, यानी एफसी साई. 1, 1 दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा सेट के नियम से. तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा आपके पास? डोमेन ऑफ आर हो जाएगा 1, 2. ये ए है, ये भी कौन है? ए है.
अब ये वाली जो चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज दिस, दिस बॉक्स डिनोट्स रेंज, जो आउटकम है, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर में कितने एलिमेंट्स आ गए, 2, 3। रेंज ऑफ आर में एलिमेंट्स आ गए आपके पास 2, 3। एंड बी इज व्हाट, तो बी इस केस में बी भी कौन है, ए है। तो ये है कोडोमेन, कौन है दोस्तों, ये है कोडोमेन ऑफ आर, ये आर का क्या है, कोडोमेन है। फिर से समझ ले, आर अगर किससे किस में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, तो बी इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन। ये ए क्या कहलाता है, डोमेन नहीं, डोमेन सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए, और कोडोमेन का सबसेट फिर कौन होता है, तो रेंज। ध्यान से देखो, क्यों रेंज यहां है ना, ये रेंज है और ये क्या चीज है, डोमेन, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ ए और रेंज इज अ सबसेट ऑफ, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट कोडोमेन। तो ये डोमेन था और ये रेंज था। अब वापस से इसी चीज को मैं बनाता हूं जो मैंने लिखा था, फिर हम फंक्शन के डिस्कशन पे होंगे, क्योंकि फंक्शन की बिगिनिंग यहीं से है। अगर आपके पास यहां देखो, आप 1, 2, 3 था, यहां पे आपका था 1 का एसोसिएशन किससे था, 1 से नहीं था, 1 का एसोसिएशन किससे था, 2 से था, 1 का एसोसिएशन किससे था, 3 से था। तो 1 का एसोसिएशन दो एलिमेंट के साथ है तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ध्यान से सुनिए, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, तो फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन, फिर से अब लिखता हूं मैं, फंक्शन इज अ रिलेशन, आप देखते रहे सब आपको समझ में आएगा। कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में क्या है, रिलेशन है, इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, आगे तक सिखाऊंगा, साथ बने रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन बी। देखो मैं सारी टर्म भी सिखाते जा रहा हूं और साथ में आपको सब समझाता भी जा रहा हूं। ये किसका सेट है, ये सेट ऑफ इमेज है। किसका सेट होता है दोस्तों, ये सेट ऑफ इमेज होता है, और ये वाला सेट किसका होता है, प्री इमेज का, प्री इमेज। जब ये फंक्शन बनता है तो सेट ऑफ इमेज और सेट ऑफ प्री इमेज हो जाता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर यहाँ ए टू ए है तो नो प्रॉब्लम, ए टू ए भी हो सकता है, ए टू ए इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज। ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है क्या, देखिए आप, ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज नहीं है। वन की एक इमेज है क्या, यहाँ पर देखिए आप, वन की तो दो इमेजेस है, तो दो इमेजेस है तो इट कैन बी अ रिलेशन, क्योंकि बेसिकली व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन रिलेशन का एक विशेष प्रकार है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ए शुड नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन बी, ए के एलिमेंट्स की बी में। अब यहां बी इस केस में बी ए लिखा हुआ है इस एग्जांपल में, तो आप ए और बी में कोई कंफ्यूजन नहीं पाले, जिसमें इसके एलिमेंट्स की यहां पर यूनिक इमेज हो। तो यहां वन की कितनी इमेज हो रही है, यहां पर वन की दो इमेजेस हैं, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में वेन डायग्राम से पूछे कि इज दिस अ फंक्शन, तो अगर यहां से दो ब्रांच निकलेगी तो देन दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो फिर फंक्शन का मैं वेन डायग्राम से पहले आपको समझाता हूं कि फंक्शन क्या चीज है। तो फंक्शन ध्यान से देखें, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, यहां पे लिखा हुआ है आपको 2, 1, 4, 3, वन का रिलेशन किससे, इससे है, वन का अगर वन से फिर हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो ये फंक्शन है क्या, यस दिस इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
एफ ए से बी में एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? वन की देखिए कितनी इमेज है, वन की बोलो, वन के कितने, आप ऐसे बोलो वन के कितने दोस्त हैं, वन का एक दोस्त है, टू के कितने दोस्त हैं, टू का एक दोस्त है, थ्री के कितने दोस्त हैं, देखो थ्री का भी कितना दोस्त है, एक दोस्त है। तो यस दिस इज अ फंक्शन, ये कैसा है, इज अ फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखा रहता है, आर भी लिखा रहेगा, तो दिस आर इज अ फंक्शन, ये आर एक फंक्शन है, या आर की जगह एस लिखा हो, या एस ना लिखा हो, यहाँ पे एफ लिखा हो। अगर फंक्शन को हम यूजुअली एफ से डिनोट करते तो आपके दिमाग में होगा कि एफ लिखा होना चाहिए, तो एफ लिखा हो तो ठीक, नहीं लिखा हो तो ठीक। तो ये फंक्शन होगा, क्यों फंक्शन होगा, क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स की, फिर से ध्यान से देखें, एलिमेंट्स की यूनिक इमेज। अब इसमें ये एलिमेंट छूट गया, ये एलिमेंट छूट गया, ये एलिमेंट छूट गया, तो कोई बात नहीं, यहां का एलिमेंट कोई भी छूटेगा नहीं, यहां का रिले फंक्शन बनने के बाद, अभी तो रिलेशन था तो अभी तो छोड़ सकते थे, लेकिन ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए कि फंक्शन में क्या चीज है, फंक्शन कहां से कहां है, तो फंक्शन एक सेट ए से लेके कहां है, बी में। ए एलिमेंट को कहां ले जाएगा फंक्शन, इसके एलिमेंट एफ ए है, इसके एलिमेंट क्या है, बी। तो जब एफ इस पे इम्पोज हो जाएगा, एफ इस पे इम्पोज हो जाएगा, एफ लग जाएगा, लग जाएगा, तो आपने बहुत एक वो सुना होगा, और मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आएगी, यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी, इस फंक्शन में जाएगी, इस बॉक्स के अंदर जाएगी, और बॉक्स के अंदर कुछ जादू होगा, जादू ऐसा कोई अलग सा नहीं होगा, आपको मालूम होगा कि वो क्या जादू होगा, और जब बाहर निकलेगी तो वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स। उसी एफ ऑफ एक्स को क्या कह देते हैं हम, उसी एफ ऑफ एक्स को क्या कह देते हैं हम, वाई। तो यहाँ ए एलिमेंट है, यहाँ से वहाँ गया तो एफ ऑफ ए बन गया। तो एफ ऑफ ए और बी क्या अलग अलग है, नो दे आर सेम, एफ ऑफ ए और बी क्या चीज है, सेम है। तो आप देखें हम यूजुअली कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई। तो एक्स क्रॉस वाई के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जैसे ए क्रॉस बी के ए कॉमा बी लिख देते हैं, तो एक्स क्रॉस वाई के कितने होंगे, एक्स कॉमा वाई, और वाई बराबर क्या रहता है इसमें, एफ ऑफ एक्स। y बराबर क्या हो जाता है इसमें, f ऑफ x, तभी ये क्या बन जाता है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, अभी x क्रॉस y था इतना इतना, पर वो जब लिख दिया तो ये क्या बन गया, फिर ये f बन गया, क्या बन गया दोस्तों, ये f बन गया। और f कहाँ से कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, f कहाँ से कहाँ है, f x से y में है, x के सारे एलिमेंट्स को कहाँ ले जाएगा, f x के सारे एलिमेंट्स को ले जा करके y में ले जाएगा। अब y में ले जाएगा तो देखो कैसे ले जाता है, अपन समझते हैं। तो आओ अब आप आगे बढ़ जाते हैं, हम फिर हम फंक्शन के टाइप्स देखेंगे, वन वन है, ऑन टू है, इन्वर्टिबल है, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, जो आपने सुने हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आपको साथ में बने रहना है। तो और बहुत आराम से करेंगे हम काम, और सारा काम करके रख देंगे आपका, एक बार आपने वीडियो पूरा सुना आपके दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे, सारे कंसेप्ट जो आपके दिमाग में उलझे हुए थे वो सब बन जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए अब आपको नियम बता दिया, फंक्शन का नियम आप ध्यान से सुनिए, फंक्शन का नियम ऐसा है कि x से कहाँ ले जाएंगे एलिमेंट्स को, y में ले जाएगा। अब वो ले जाएगा किसको, मान लो कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, आपको लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पर ये नहीं लिखा कि ले किसको जाएगा और ले कहाँ जाएगा, ले किसको जाएगा, ले कहाँ जाएगा, ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो अगर ऐसा लिख दे कि f किसको ले जाएगा, नेचुरल नंबर को ले जाएगा और नेचुरल हो जाएगा, तो नेचुरल में किसको ले जाएगा फिर ये, तो नेचुरल नंबर मालूम हो ना आपको, वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी, इनको ले जाएगा, नेचुरल को ले जाएगा, नेचुरल में ले जाएगा। पर अगर बोलेगा कोई कि ये आपको दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f इज फ्रॉम n टू n, और व्हाट इज f ऑफ 1, तो आप बोलोगे 1 स्क्वायर। अगर कोई बोलेगा f ऑफ 1.1 कितना, तो आप चुप रहोगे, है ना, यू विल कीप क्वाइट, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्ट किया है। रेस्ट्रिक्ट क्या किया है दोस्तों, रेस्ट्रिक्ट ये किया है कि आपका जो x है वो किसको बिलोंग करता है, ये x बिलोंग करता है इसको, और आउटकम किसको बिलोंग करना चाहिए, इसको। तो आप x को नेचुरल नंबर के अलावा जीत करके नहीं लिख सकते हो, नहीं मैं तो लिखूंगा ऐसा करके 1.1 स्क्वायर लिखूंगा, नो यू कैन नॉट राइट हियर।
आप इसको नहीं लिख सकते हैं। आपको मैं एक छोटी सी भी बात बताता हूँ, आपने डिफरेंशिएशन बहुत सुना होगा, डिफरेंशिएशन आप एक्स स्क्वायर आपको मालूम होगा 2x, मैंने इस पर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया, कभी आप बताना, आप यूट्यूब में मेरे चैनल पे देख भी सकेंगे इसको। पर डीडीएन ऑफ एन स्क्वायर इज नॉट 2n, अगर ध्यान से सुने, डीडीएन ऑफ एन स्क्वायर इज नॉट 2n, जब n क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर है, और इसमें x क्या चीज़ है, रियल नंबर है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप ध्यान से सुने, f कहाँ से कहाँ है, नेचुरल से नेचुरल में, आप 1, 2, 3, 4, 5 तो रख सकते हैं, पर अगर आपसे मैं कहूँगा कि f ऑफ 1.1 क्या होगा, तो आप 1.1 में यू विल हैव टू कीप क्वाइट, आपको चुप रहना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है इस केस में। लेकिन हाँ, अगर आपका फंक्शन दोस्तों फिर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए वो देखिए, अगर आपका फंक्शन रियल टू रियल हो जाए, तो हम सारी स्टडी कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, हम सारी स्टडी हम रियल टू रियल कर रहे हैं, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, हमारी पूरी स्टडी, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी पे है। क्यों? क्योंकि हमें रियल नंबर्स की स्टडी करना है। तो हम रिलेशन को कहाँ से डिफाइन करते हैं, रिलेशन को आर से आर में डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या बन जाता है इसका, रिलेशन इसका सबसेट बन जाता है, रिलेशन किसका सबसेट बन जाता है, इसका सबसेट बन जाता है। पर आपको मालूम है कि हमें रिलेशन नहीं बनाना, हमें तो एक स्पेशल चीज़ रिलेशन की बनानी है, उस रिलेशन का नाम क्या होगा, उस रिलेशन का नाम फंक्शन होगा। इसलिए हम इसको आर से डिनोट करने की जगह किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करने की जगह हम उसको किससे डिनोट करते हैं, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, फंक्शन, और फंक्शन यूजुअली एफ से स्टार्ट होता है, आपको मालूम है हर जगह। तो इसलिए हम फंक्शन के लिए एफ, कई बार F की जगह फाई लिख देते हैं लोग, कई बार G लिख देते हैं, कई बार T लिख देते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। T भी एक फंक्शन हो सकता है, कहाँ से कहाँ हो सकता है, रियल टू रियल हो सकता है। अब रियल टू रियल एक फंक्शन, हमने जैसे आपको हमेशा से आदत थी, क्या आदत थी, कि F आपका जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, रियल टू रियल होगा। और आपसे पूछते हैं सवाल, क्या सवाल पूछते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ ऑफ वन इज व्हाट, एफ ऑफ वन कितना होगा, तो आप एफ ऑफ वन क्या कहते हो, एफ ऑफ वन कहते हो वन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, वन। अगर आप एफ ऑफ 1.1 पूछता है तो आप 1.1 रख सकते हो, कितना हो जाता है आपके पास, 1.21 हो जाता है। अगर कोई पूछता है आपसे एफ ऑफ रूट थ्री रख सकते हैं क्या, तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर्स इस कैटेगरी के नंबर है, इस फैमिली के नंबर है, इसलिए आप रख सकते हो। अगर आप इस फैमिली के नंबर से इनको रख सकते हो, तो फिर जो रख सकते हैं, तो फिर जो आउटकम आता है, तो उस आउटकम पे हम विचार करते हैं। आपको एक केस हम मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखिए, f एक रिलेशन, f फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये रियल नंबर के लिए मैंने ये वाला सेट लिया, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, आप अपने मर्जी से, आप बुक में देखेंगे तो इसको वो थोड़ा बोल्ड बनाते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे तो रियल नंबर को वो थोड़ा बोल्ड बनाएंगे, या फिर वो थोड़ा बड़ा लिखेंगे, या फिर थोड़ा वो स्टाइलिश लिखेंगे, स्टाइलिश लिखते हैं रियल नंबर को, आप नोटिस करिए। तो ये रियल नंबर क्या होता है, तो मैं ऐसा बनाता हूँ, आप भी अपनी प्रैक्टिस में जैसी मर्जी हो वैसा रख सकते हैं, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैले होते हैं, आपको ये मालूम है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक फैले होते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर का एक्सपेंशन होता है। तो आपको f ऑफ x, ध्यान से सुनते, f ऑफ x, x कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा, पर रियल नंबर से आएगा, पर वैल्यू उसको ध्यान से सुनते जाएंगे, समझ में आता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। f रियल नंबर, ध्यान से सुनिए, f कहाँ से आएगा, रियल से आएगा, जाएगा कहाँ, रियल में जाएगा। देख लेते हैं अपन, केस देख लेते हैं। पहला, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें लिखा है x लेस और इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा है 2x, x ग्रेटर और इक्वल टू 3। इसमें कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एफ ऑफ 1 कितना होगा? तो 1 लेस देन 3 है, तो 1 लेस देन 3 है, तो इस वाली फैमिली में जाएगा, इसका आंसर 1 स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ 1.1 इसी में जाएगा, एफ ऑफ 2.99 इसी में जाएगा, क्या बन जाएगा, 2.9 का स्क्वायर बन जाएगा, 2.9999 भी होगा तो वो इसी में जाएगा। एफ ऑफ 3 कहाँ जाएगा? अब एफ ऑफ 3 के लिए परेशानी,
इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो दोनों में भेज के देखो। तो अगर पहले वाले में भेजते हो तो ये जाएगा 3 स्क्वायर, और दूसरे वाले में भेजते हो तो 2 × 3 क्या बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 की 2 इमेज हो गई, एक 9 हो गई और एक क्या हो गई, 6। नॉट अ फंक्शन। क्यों? देखो आप, मैंने कहा था ना, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की 1 ही इमेज होगी। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ फंक्शन। हम सब चीजें डिस्कस करेंगे, आपसे डोमेन भी डिस्कस करेंगे, रेंज भी बात करेंगे, फंक्शन के टाइप्स पे भी डिस्कशन करेंगे, पर आपका बेस बनाते हुए डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों साथ बने रहें। इट इज नॉट अ फंक्शन, आपको दिखा दिया मैंने। क्यों नहीं फंक्शन? क्योंकि एक एलिमेंट की कितनी इमेज आ गई हमारे पास दोस्तों, एक एलिमेंट की 1 से ज्यादा इमेज है, और इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो फिर अपने को जो ये दिया है, ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, और यहाँ पे 3x दे देते एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन हो जाता, इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि अगर आप पहले वाले में f of 3 अगर इस पे रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, f of 3 × 3, f of 3 इससे निकालेंगे, इससे भी कितना आएगा, 9। और आप बेसिक में जाना चाहते हैं और बेसिक टू बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे क्लास 11 के भी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये नाउ इट हैज बिकम अ फंक्शन, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम 3 में ही थी, 3 के पहले भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 के बाद में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक फंक्शन है। अब आपको जो दिए रहते हैं, यूजुअली जो दिए रहते हैं वो क्या थे, जैसे मान लीजिए आपको दिया है f of x square दिया है, तो ये तो फंक्शन होता ही है। कैसे पता है फंक्शन होता है? तो इसमें आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये यूजुअल प्रैक्टिस में है कि x की वैल्यू रखेंगे अपन, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की जैसे मैंने मान लीजिए आपकी वैल्यू रख दी, और यहाँ पर ये f of x है, f of x को y भी कहते हैं, यहाँ पर y है, x की वैल्यू क्या ले ली, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 ले ली तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, -1 ले ली तो 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2 ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, फंक्शन का ग्राफ बनाना बेहद आसान है, x की वैल्यूज लो, y की वैल्यूज लो, x की वैल्यू ली हमने 0 भी ले लो आप, 0 ली तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 ली तो यहाँ 1 आ गया, जब यहाँ 2 ली तो यहाँ पे 4 आ गया, जहाँ -1 ली तो 1 आ गया, और जब -2 ली तो 4 आ गया। जब इसको ड्रॉ करेंगे, ये पैराबोला है, निश्चित सही समझे आप, ये पैराबोला है। लेकिन अगर पैराबोला ऐसा बन जाए तब ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? ध्यान से सुनो, यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 के लिए y की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, देखो ना यहाँ पे x की 1 के लिए ये भी वैल्यू मिल रही है और x की 1 के लिए ये भी वैल्यू मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये इसकी एक जो लाइन से ड्रॉ करके, लाइन से एक्सिस पे पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो जब कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई आ गया, तो इसका मतलब है x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा, अरे ये तो देखा हुआ है मैंने, तो हाँ आपने देखा हुआ है, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जैसे वो हमने बनाया था, ये ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, वो ग्राफ ध्यान से सुनिए, वो ग्राफ बनाया था जो हमने, वो था ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, कौन सा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये वाला। अब ये वाले में आपको लग रहा है यार ये तो फंक्शन होना चाहिए, नहीं नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होगा, y की दो वैल्यू हो गई प्लस माइनस x, y की दो वैल्यूज हैं, क्या है दो वैल्यूज, y की दो वैल्यूज हैं, y की x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। हाँ x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये भी बात है, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, बट x इज अ फंक्शन ऑफ y। जब बोलेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो x f कहाँ से कहाँ डिफाइंड रहेगा, f y से कहाँ डिफाइन होगा,
वाई से एक्स में डिफाइन होगा, लेकिन अभी वो बात हम कर नहीं रहे, तो अभी तो आप ये समझिए कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। और इसीलिए आप ध्यान से सुनिए, आपको जब भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर देते हैं तो दिस कैन नॉट बी प्लस माइनस एक्स, इट विल बी मॉड ऑफ एक्स, इट विल बी व्हाट मॉड ऑफ एक्स। इसका आउटकम हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, इसका आउटकम नॉन नेगेटिव होगा, तो दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि अगर प्लस माइनस एक्स लिख दिया आपने तो दो वैल्यू हो गई, एक तो ये हो गई एक ये हो गई, देन दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। लेकिन इसको फंक्शन बनाना है तो फिर आपके पास एक वैल्यू आना चाहिए, तो एक वैल्यू माइनस की भी रख सकते थे, पर वो कन्वेंशनली डिसाइड हुआ कि आपको यही वैल्यू रखना है तो आपको यही वैल्यू रखना है, इट्स ओवर, फिर इस पे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो ये आपने समझा कि फंक्शन कैसा होता है, लाइन से कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई फंक्शन है कि नहीं है, तो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पे अगर दो से ज़्यादा पॉइंट टकरा गए आपके, दो या दो से ज़्यादा, तो फंक्शन नहीं होगा। तो लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करना है आपको, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अब आपके साथ एक सवाल अब और डिस्कस करते हैं हम, एफ कहाँ से कहाँ बोलते हैं हम, एफ हम हमेशा आर से आर में बोलते हैं, एफ आर से आर में है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि व्हाट इज एफ ऑफ वन, तो आप बोलेंगे वन अपॉन वन, एफ ऑफ माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन, मैं पूछूंगा व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, तब आप सोचोगे, आप कैलकुलेटर से पूछो वन अपॉन जीरो इज व्हाट, वो बोलेगा एरर है, इट इज नॉट डिफाइंड। अब आप सोच रहे हो कि वन अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी होता है, अब इन्फिनिटी पे कभी और डिस्कशन करेंगे, लिमिट्स पे और कभी डिस्कशन करेंगे, बट वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब जीरो नहीं रख सकते भाई, इसमें तो आपको आउटपुट चाहिए ना, तो कहाँ कहाँ आउटपुट नहीं मिल रहा है आपको, जीरो पे आउटपुट नहीं मिल रहा, तो जब आपको जीरो पे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें से जीरो हटा दो, क्या हटा दो, इसमें से जीरो हटा दो, तो इसके इसमें से जीरो हटा दो, इसमें से जीरो नहीं रख सकते इसके अंदर, तो ये आर में से क्या रख सकते हैं, जो रख सकते हैं वो ये है, तो जो रख सकते हैं वही तो डोमेन है, ऐसे ही रिलेशन में है, ऐसे ही फंक्शन में है, तो डोमेन इज व्हाट, डोमेन वो है जिसको रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा लिख दो, या फिर आप ऐसा लिख दो, इंटरवल पे बात करते हैं, इंटरवल पे बात तो बहुत की हुई है, तो इंटरवल के नोटेशंस लिख देंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, अगर आप इसकी वैल्यूज रखोगे तो जब x की वैल्यू रखोगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, x की वैल्यू रखोगे 1 तो ये आएगा आपके पास, उल्टा लिख दिए यहाँ x और यहाँ y लिख देते हैं, y मतलब f ऑफ x, 1, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, ऐसे आप वैल्यूज रखते जाएं और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते जाएंगे, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान से देखिए, 4 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, माइनस की एक दो वैल्यू ले लो, -1 लोगे तो -1/1, -2 लोगे तो -1/2, और इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। आप x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए y की बहुत सारी वैल्यूज निकालेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये इस तरीके का आएगा, इसको ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्स फंक्शन, 1/x यानी क्या हुआ, x का इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनवर्स, तो ये इनवर्स हो गया, तो x की जो वैल्यू रख रहे हैं उसमें कौन सी वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं हम, जीरो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे, अगर आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते, अगर आप इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट हो जाता तो फिर सारा आ जाता, पर इसमें सारा आ नहीं सकता है, पर इसमें सारा आ जाएगा, अगर आप ये वाला लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, x की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा सारी वैल्यू रख सकते हैं, मिल सकता है क्या, उस पर भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज, क्योंकि डोमेन ही अपने आप में इतना ब्रॉड टॉपिक है, अभी 1/1 है, इनटू है, ऑन टू है, मेनी 1 है, बहुत सारे डिस्कशंस है, अभी आप इसको समझे, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ फॉर दिस पर्टिकुलर केस आर होगा, थोड़ी सी बात आज रेंज की अभी कर लेंगे हल्की सी, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं
जो हमने इसमें लिए हैं इसमें थोड़ा सा आपको रेंज भी उसका पता होना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स अगर आपने मॉड ऑफ एक्स ले लिया, तो एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स ले लिया तो इसके अंदर क्या रख सकते हैं? तो इसके अंदर भी सब कुछ रख सकते हैं। अच्छा, सब कुछ रख सकते हैं, ओके रख दिया। इसमें मिल क्या सकता है? तो इसका मिलना बड़ा क्लियर है, इसके अंदर सारी वैल्यूज क्या है, रखोगे कुछ भी माइनस की पर मिल जाएगी सब, वो क्या हो जाएगी, प्लस की। सारी कोई भी माइनस की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा क्या आपको? मिलेगा आपको सब प्लस होकर के ही मिलेगा, है ना, सॉरी जीरो भी मिल सकता है तो नॉन नेगेटिव मिलेगा आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? तो x की वैल्यू ले लें जीरो, तो y की कितनी आएगी, जीरो, x की ले लेंगे वन, y की वन आएगी, माइनस वन लेंगे तो वन आएगी। फिर अच्छा चलो ड्रॉ कर देते हैं, ये जीरो जीरो हो गया, ये वन वन हो गया और ये आपका माइनस वन वन हो गया, ये बना दिया। इस तरीके का ग्राफ आएगा, ग्राफ कहाँ पे आएगा, ये वाले पॉइंट पे, जीरो जीरो पे ये वी शेप बना देगा, ऐसा वी शेप बना देगा। तो ये जीरो जीरो पे वी शेप बनाएगा, है ना। अगर आपका ग्राफ ऐसा होगा दोस्तों, ध्यान से देख लें आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ले लें आप, इसको ध्यान से देख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ये एक्स था, मॉड एक्स था, तो कहाँ पे आया, ये जीरो पे बना ना वी शेप, तो इसका टू पे बनेगा, इसी तरीके का होगा। और ये इसका कहाँ पे बनेगा, टू पे बनेगा। क्यों क्यों, आप ऐसी वैल्यूज रखते जाना, एक्स की जब वैल्यू टू रखोगे आप यहाँ पे, तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा आपका, वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा दिया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का दे दें आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स दे देंगे, तो फिर आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा? आप वो टेस्ट लगा सकते हो जो पैरेलल लाइन वाली है, कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हो, जहाँ पे एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई पे दो पॉइंट हो, ऐसा इसमें भी नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें भी नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे फंक्शन है। तो ये वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का था। अगर आपके पास और एक आपको बात बता देता हूँ, आप इसका भी ध्यान रख सकते हो, y माइनस बीटा मॉड ऑफ x माइनस अल्फा, तो ये आपका इस तरीके का आएगा, और ये पॉइंट कौन सा रहेगा, अल्फा बीटा। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, x में से क्या माइनस है अल्फा, y में से क्या माइनस है बीटा। अब आप इस पे और डिस्कशन करिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का काम इसी से चलता है, और अगर माइनस होता तो फिर ये नीचे बन जाता। तो ये ग्राफ भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो, और उस ग्राफ के लिए इस पे एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के इस तरीके का ग्राफ आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ये वाला डिज़ाइन करें, ये वाला डिज़ाइन करें, ये वाला डिज़ाइन करें, तो ये नीचे से आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे रहेगा। ये वी शेप कहाँ बनेगा, क्योंकि एक्स में से वन माइनस वन है, माइनस ऑफ माइनस वन, वाई में से माइनस माइनस टू, तो इस तरीके का वी शेप का ग्राफ बनेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये भी बनाइएगा, और मैं आपको एक ग्राफ और बनाता हूँ तो देता हूँ, उसकी भी आप प्रैक्टिस करना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ये भी आप बनाइए, और ये खुद बना करके देखिए कि किस तरह से बन रहा है। तो ये ग्राफ बना सकते हैं। और अब हम आगे आ जाते हैं कि अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने देख लिया था कि मॉड एक्स में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स देखा आपने, मॉड एक्स में मिलता क्या है आपको, तो जो मिलता है वही रेंज है। पर हम रेंज में एक्सक्लूसिव डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे, रेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम रेंज पे इतनी ही बात कर लेते हैं कि जो मिलता है, जो रखते हैं वो डोमेन है, तो रखते हैं वो क्या है, कुछ भी रख सकते हैं, मिल क्या सकता है उसको रेंज कहेंगे। तो आपको मिल सकता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। आप देख लो ये वाई की कौन सी वैल्यू है, ये वाला हिस्सा मिलता है आपको, ये वाला हिस्सा नीचे का मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो फिर नीचे नहीं जाना अपन को, नीचे के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। ये डोमेन हो गया इसका। अब दूसरी चीज है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसके कई एस्पेक्ट हैं। अभी आप, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बोल देता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, फॉर्मल डेफिनेशन है ना दोस्तों। एन कहाँ से आ गया तो मैं आपको बताता हूँ। एन की जो वैल्यू है, एन इज एन इंटीजर, एन
इज एन इंटीजर सच दैट, एन इज एन इंटीजर सच दैट, ये हम डेफिनेशन टीचर से भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई आप ही बताइए, तो इसका कंसेप्ट तो आता है उनको कि करते क्या हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन में कई बार परेशानी आ जाती है। सच दैट एन इज लेस और इक्वल टू एक्स बट ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, एक ऐसा इंटीजर है जो एक्स से क्या होगा, छोटा या बराबर, पर एक्स माइनस वन से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ले लेंगे 3.5, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, आपको आता भी होगा कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 3 होता है, पर आप एक बार समझ भी लें क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में फिर यही चीज़ आप ABCD करना पड़ेगी अपने को, और वो प्रैक्टिकली फिर सूटेबल नहीं होगा। 3.5 क्या है, तो 3.5 की वैल्यू n है, 3.5 माइनस 1 से n क्या चीज़ है, n इंटीजर है, 3.5 माइनस 1 से बड़ा, और किससे छोटा है आपका, 3.5 से छोटा या बराबर, तो 3.5 माइनस 1 क्या हो गया, 2.5, 2.5 से बड़ा, और 3.5 से छोटा इंटीजर कौन होता है, तो ये 3 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं एक दो और केस बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वहाँ पे कंसेप्ट ले रखा है, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। अब अगर आपके पास, ध्यान से देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है मान लो, तो 3 क्या होगा, अगर आप 3.9, एक बात बोल देता हूँ आपको, 3.9 होता तो भी इसी तरीके से क्या हो जाता, वो 3 हो जाता, और 3.999 होता तो भी क्या हो जाता, वो 3 हो जाता, और अगर 3.0001 भी होता तो भी क्या हो जाता, वो तो भी वो 3 हो जाता। अब ध्यान से सुनो, 3 में क्या होगा, 3 में ऐसा होगा, यहाँ रख देता हूँ 3 माइनस 1, एन इंटीजर है, 3 माइनस 1 से बड़ा यानी 2 से बड़ा, एन और किससे छोटा या बराबर, 3 से छोटा या बराबर, तो 2 से बड़ा इंटीजर हो और 3 से छोटा हो, छोटा हो या फिर बराबर भी हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3। और अब एक नेगेटिव आस्पेक्ट है इसका, जो नेगेटिव साइड है वो भी एक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो आपके पास -4.1 हो, तब -4 नहीं हुआ, तब -5 होगा, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे लग को लिखो, इसकी वैल्यू n है, -4.5 -1 से बड़ी, और -4.5 से छोटी या बराबर वैल्यू, तो -4.5 यानी -5.5 से बड़ा इंटीजर और -4.5 से छोटा या बराबर, तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो -4 नहीं होगा, क्यों, देखो आप -5.5 यहाँ है और -4.45 यहाँ पे, -4 तो यहाँ है ही नहीं, -4 तो बड़ा है उससे भी, आपको तो इनके बीच का बताना है, तो इनके बीच का एक ही आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, -5। अगर आपके पास -4.9 होगा तो भी कितना आएगा, -5 आएगा। आप इस डेफिनेशन पे बार बार जाएं और देखें। अब मैं आपको -6 होगा तो क्या होगा, देखो -6 होगा तो -6 की वैल्यू n, -6 -1 से बड़ा और -6 से छोटा या बराबर, तो -7, तो ये क्या हो जाएगा, -7 से बड़ा होना, तो -7 से बड़ा तो -6 है और -6 के बराबर भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में GIF कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) = x, इसका आउटकम होता है जो जस्ट स्मॉलर और इक्वल, इतने से याद रख लो आप, जस्ट स्मॉलर और इक्वल इंटीग्रल वैल्यू, या इंटीजर ही लिख देता हूं मैं, जस्ट छोटा या बराबर, जैसे 3.5 से जस्ट छोटा या बराबर, तो जस्ट छोटा, छोटे तो बहुत है, बल ठीक छोटा, हिंदी में कहते हैं इसको ठीक छोटा, एकदम ठीक छोटा, तो ठीक छोटा कौन है, 3, वैसे तो 2 है 1 है, सब छोटे हैं। अगर आपके पास 3.79 है तो कौन होगा जस्ट छोटा,
थ्री होगा, अगर थ्री है तो जस्ट छोटा या बराबर, तो बराबर वाला आ जाएगा। माइनस 4.1 लिखा है तो जस्ट छोटा, जस्ट छोटा या बराबर, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो माइनस 5 आएगा क्योंकि माइनस 4.1 से छोटा कौन होगा, माइनस 4 नहीं होगा, माइनस 4 तो बड़ा होगा, माइनस 5 होगा। और इसका ग्राफ अब देखें, ग्राफ भी मैं इसी बहाने आपका बना देता हूं। तो इसका ग्राफ होगा दोस्तों, ये आपको डेफिनेशन बता दी थी, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, इसका ग्राफ मैं बोल देता हूं। देखो आप, जीरो रखते हो तो जीरो मिलता है, 0.1 रख देते हो तो मिलता है, 0.2, 0.3, और 1 पे डायरेक्ट उचक जाता है। 1 पे कहाँ पहुंच जाता है ये, तो इसको बोल्ड कर दो और 1 पे यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल बनाओ। सॉलिड इसलिए बनाना है क्योंकि 1 पे ये वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी, ये वैल्यू यहाँ अटेन कर लेगा, 1 से लेके 1.5 तक, 1.99 तक चलेगा। 2 पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 3 पे कहाँ चला जाएगा, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, 3 पे कहाँ चला जाएगा, ये 3 पॉइंट पे चला जाएगा। ये कौन सा है, ये 1 है, ये 0.2 है, यहाँ पे क्या बना दिया, 3। ऐसे ही आप नेगेटिव साइड का भी बना सकते हो, 3 पे ये वैल्यू नहीं रहेगी, 3 पे वो वैल्यू रहेगी। अब नेगेटिव साइड का बना दें आप, ध्यान से देखें, माइनस, ध्यान से देखें, यहाँ पे कौन है आपका, माइनस 1 आता है, मान लीजिए ये थोड़ा आप पीछे बना देता हूँ, यहाँ माइनस 1 आता है, यहाँ पर आपका क्या आता है, माइनस 2 आता है। तो जब आप ध्यान से सुनिए, माइनस 0.1 रखेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस 1, क्या आएगी वैल्यू आपकी, माइनस 1 आएगी। तो माइनस 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब माइनस 0.3 रखेंगे तो भी माइनस 1 आएगा, तो फिर आपको ऐसी लाइन मिलेगी, और माइनस 1 पे कहाँ चले जाएगी, डायरेक्ट यहाँ। तो ये इस तरीके का मिलेगा, आप इसकी भी प्रैक्टिस करें और इसको भी बनाएं, और आप मुझे, ये मेरा नंबर है +91 96 856 980 56। मैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी आगे करेंगे, राकेश कुमार त्रिपाठी। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप नॉलेज अक्वायर कीजिए, नॉलेज गेन करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, रोकिए नहीं, रोकेंगे तो ये सड़े पानी के जैसा हो जाएगा। पानी को बहने दें, नॉलेज को फ्लो होने दें, दोस्तों तक बात पहुंचाएं। मैं भी तो रोक सकता था, पर मैं आपकी सेवा में आ गया हूं और आपकी सर्विस कर रहा हूं, तो आप भी इसे आगे पहुंचाएं। मैं डॉक्टरेट, मैं PhD इन मैथमेटिक्स ही हूं, और वाइस प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, जो लास्ट गवर्नमेंट में थे, हामिद अंसारी साहब, उन्होंने मुझे 2014 में मेरे एक रिसर्च पेपर के लिए बेस्ट पेपर, बेस्ट पोस्टर पेपर से, रिसर्च पेपर से अवार्ड भी दिया हुआ है, अवार्ड भी किया हुआ है। और मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च में हैं, जो आगे कर रहे हैं, और मेरे ढेर सारे देश विदेश में लेक्चर्स हो चुके हैं। मैं लेक्चर देने के लिए रिसर्च ओरिएंटेड जाता हूं, लेकिन आज मैंने ये सोचा है कि मैं इसमें आप लोगों के लिए नया नया करूं, क्योंकि आप लोग बहुत ही इनोवेटिव बच्चे हो। तो आए, अब हम आगे की बात देखते हैं, समय अपने पास कम है, तो इसलिए हम काम पे ज़्यादा जोर देते हैं। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइए, आप इतना ही करिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1। अब आप इसमें, हम डोमेन ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सारे केसेस में हम क्या फाइंड करेंगे, डोमेन में वो वाली सारी वैल्यूज आएंगी जो एक्सेप्टेबल होंगी। तो इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, आपको दिख गया होगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत आसान केस है इसलिए, लेकिन हाँ, आना ये भी चाहिए, आना कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, सब चीज़ें आना चाहिए। अगर सब चीज़ों में सब चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर अपने नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों बात को आगे जरूर भेजिएगा, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। x²-1, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज नहीं रख सकते हम, इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, सारी रख सकते हैं एक्सेप्ट 1 और -1। क्यों 1 और -1 में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, यस प्रॉब्लम इज देयर, 1 रखने में 0 हो जाता है, -1 रखने में 0 हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास है x / x²+1, इसका डोमेन क्या होगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कभी भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। लेकिन अपन ने जो स्टडी कहाँ से कहाँ करना है मैंने आपको बता दिया, अब आपको दिमाग में ही नहीं लाना। दूसरी बात, आपको एक लिमिट दे दी रियल से रियल में, वैसे तो ये अनंत है चीज, अब अनंत है इसमें मेरे, ये मेरी रिसर्च तो मेट्राइसेस से मेट्राइसेस पे थी, तो ये रियल से रियल है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता तब ये भी लेना पड़ता, लेकिन अभी वो बात नहीं है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे आगे। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। दोस्तों अगला देखिए आप, अगर आपके पास ऐसा हो जाए तो फिर आपके पास क्या होगा? अब आपके पास होगा x की वैल्यू वन से छोटी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट में आप ध्यान रखो, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी पे डिस्कशन करना नहीं है। तो x माइनस वन क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यानी x क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? वन टू इन्फिनिटी। पर अगर यही चीज नीचे आ जाए, यही चीज नीचे आ गई, अपॉन में आ गई, तो अब दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक बात है कि जो भी चीज़ अंडर रूट में होगी उसको क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। जो चीज़ नीचे होगी अंडर रूट के, तो उसने क्या होना चाहिए? उसने ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? वन। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों? ओपन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी। इसमें क्लोज्ड है, इसमें ओपन है, क्योंकि इक्वल टू वन रख नहीं सकते ना आप। अगर इक्वल टू वन रखोगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ओपन क्लोज की बात आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे। मैं आपको जो जो बोलता जा रहा हूँ आप लिखते जाएं, और आप जब भी समय पड़े तो देखते जाएं। लीनियर इनइक्वालिटीज का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई है कि ओपन इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल क्या होगा। अगर आपका ध्यान से देखिए, फिर भी मैं आपको ओपन और क्लोज के बारे में छोटी सी बात बोल दूं। अगर ये कोई वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होगी a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b, मतलब x एक से बड़ा होगा और b से क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। अगर ऐसा लिखा हो आपके पास तो इसका मतलब a लेस देन x लेस देन b। इन्फिनिटी पे आपको ओपन ही रखना है, ठीक है? आपके कोर्स में यही है। तो किसके कोर्स में है जिसमें क्लोज्ड है? तो एक रियल एक्सटेंडेड सिस्टम होता है, रियल एक्सटेंडेड सिस्टम, पर वो आपके लेवल का नहीं है। आप उसको नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, पर आप देख भी सकते हैं कि रियल एक्सटेंडेड सिस्टम क्या है। रियल एक्सटेंडेड सिस्टम, रियल एक्सटेंडेड सिस्टम, और फिर मुझे बताएं कि वहां पर इंटरवल कैसे लगे हुए हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे। तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे आपको कैसे लगाना है? आपको ओपन लगाना है, तो आपको ओपन ही लगाना है। तो आए फिर अब आप आगे की बात देखते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऐसा हो जाए, मैंने आपको समझा दिया ये वाला इसके लिए, ये वाला अगर लगा होगा तो ये इसके लिए, ध्यान से देखते चले आप, ठीक है? ये वाला आपका यहाँ से देखें, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है मैंने आपका, तो एक्स क्या होगा आपका? ग्रेटर देन ए होगा और लेस देन बी होगा। तो ये आप समझें, ये इसके लिए, और अगर आपका ये हो जाएगा तो इसमें ऐसा ऐसा निशान कैसा आएगा? ऐसा निशान आएगा, ये वाली वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ओपन और क्लोज्ड, ओपन किसको कहेंगे? ये वाला ओपन है और ये वाला क्या है? ये क्लोज्ड है, क्लियर है? ओपन को उल्टा भी बना देते हैं कभी कभी, ये इसको भी बना देते हैं, ठीक? तो अभी इसकी गहराई पे अभी बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, फिर अपन देखेंगे इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी अपना काम जो है थोड़ा सा बड़ा काम है और टाइम लगभग, ओ माय गॉड, आपने इतना टाइम दिया, आई एम रियली हैप्पी। और आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो दोस्तों, कभी ऐसा लिखा हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट, ऑल रियल एक्सेप्ट वन एंड टू। अब आ जाओ उस पे ही आ जाते हैं सीधे। अब बहुत देर से, अब वो क्वेश्चन लॉन्गली अवेटेड क्वेश्चन थे, वन अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स।
एक्स माइनस मॉड एक्स अंडर रूट है, अंडर रूट के नीचे ध्यान से सुनिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना एक चीज, अंडर फिर से समझे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना और अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना, और अगर अंडर रूट नीचे है कहाँ डिनोमिनेटर में है तो जीरो भी नहीं होना। तो x की वैल्यू मॉड ऑफ x कब होती है, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ लें आप, x की वैल्यू एक बार जीरो ले लें, जीरो ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, जीरो माइनस जीरो, जीरो नहीं ले सकते, वन लोगे क्या, वन लोगे तो वन माइनस वन प्रॉब्लम हो जाएगी, टू लोगे क्या, टू में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, सोचो सोचो सोचो, टू में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, टू लोगे तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ टू कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू टू का टू ही हो जाएगा, तो टू पे भी प्रॉब्लम। तो इंटीजर अगर आपने यहाँ पे ध्यान से सुनिए, वन लिया प्रॉब्लम, टू लिया प्रॉब्लम, थ्री लिया प्रॉब्लम, सब हो गई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो माइनस वन ले लो, माइनस वन ले लिया अपन ने, यहाँ पे देखो माइनस वन लिया, माइनस वन माइनस मॉड ऑफ माइनस वन, मॉड ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, अंडर रूट के अंदर माइनस टू आना चाहिए क्या, अंडर रूट के अंदर माइनस टू आपको मालूम है, अंडर रूट के अंदर माइनस टू नहीं आना चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर माइनस टू नहीं आना चाहिए तो कौन सी चीज़ है, फिर से समझे अपन, कि आपको ना तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर से सब जीरो हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर से ये सब क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। अब आप 1.5 ले लो, फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो, तो 1.5 लोगे तो 1.5 माइनस 1.5 ये तो जीरो हो गया, तो फ्रैक्शन वाली इधर की फ्रैक्शन भी नहीं लेना, इधर की दोस्तों क्या नहीं लेना, इधर की आपको फ्रैक्शन भी नहीं लेना, इधर की फ्रैक्शनल वैल्यूज भी नहीं लेना है, इधर की देखो नेगेटिव साइड की फ्रैक्शनल वैल्यू देखो, माइनस 1.3 ले लो, माइनस 1.3 ले लिया आपने तो ये हो जाएगा माइनस 1.3 माइनस, और माइनस ऑफ 1.3 क्या हो जाएगा आपका, सोचो सोचो, माइनस ऑफ 1.3 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 1.3 माइनस 1.3 तो ये जाएगा माइनस 2.6। फिर ये प्रॉब्लम है किसके अंदर आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया, है ना, अंडर रूट के अंदर, कोई छुपने की तो बात है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर ना तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना नेगेटिव वैल्यू लेना है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डोमेन फाई हो जाएगा। अब आपका जो अगला केस है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए हमने इनको इंट्रोड्यूस किया है। अब आप इसको देखिए, वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब एक्स की वैल्यू ध्यान से सुनिए, एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा, नहीं चलेगा, वन लेंगे वन माइनस ये भी वन आएगा, नहीं चलेगा। अब आप एक काम करें, माइनस वन लेंगे क्या, माइनस वन लेंगे, माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन कितना आता है, माइनस वन ही आता है, इसीलिए मैंने आपको सिखा दिया था, तो वो माइनस वन आता है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। इंटीजर कोई भी नहीं लेंगे, इंटीजर कोई भी नहीं लेंगे, फिर कौन सा लेंगे, 1.2 लेंगे क्या, तो देखो 1.2 ले लो, 1.2 माइनस 1.2, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और 1.2 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा आपके पास, 0.2, 0.2 तो है ना पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल, 0.2 तो पॉसिबल है और पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट में जीरो नहीं होना, अपॉन में है तो ऊपर है तो चलेगा, ऊपर है तो चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, ये नीचे है तो नीचे नहीं चलेगा, तो जीरो नहीं होने देना है, और दूसरा है इसके अंदर पॉजिटिव रखना है। अब अगर इसके अंदर मैं माइनस की तरफ से रखूं पॉइंट वाली वैल्यू, माइनस 1.3 रख देता हूं, तो ये देखो मैंने माइनस 1.3 रख दी, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.3 कितना होता है आपको मालूम है, माइनस 2 होता है, तो हो जाएगा आपके पास माइनस 1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.3 इज माइनस 2, ये से कट गया, 2 में से 1.3 माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इंटीजर छोड़ के सब रख सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। z किसके लिए स्टैंड करता है, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब ठीक है, अब आगे की बात समझ लेते हैं,
आप कहीं पे पॉज करके रोक लें, अपने हिसाब से आपको कॉपी करना हो आप कॉपी कर लें। तो अब हमारे क्वेश्चन अब धीरे धीरे निपटने लग गए हैं, अब हम दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स माइनस टू, तो वन अपॉन कॉस एक्स माइनस टू की बात आए तो अब आप देखिए कि कॉस एक्स माइनस टू कभी जीरो होगा क्या? तो कॉस एक्स माइनस टू जीरो होगा तो कॉस एक्स क्या होना चाहिए? कॉस एक्स टू होना चाहिए। पर कॉस एक्स का तो ऐसा ग्राफ है ना, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा है? ऐसा है, ये है ग्राफ। कॉस एक्स भी एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टाइम में इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। और मिनिमम कितनी होती है? कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम माइनस वन होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? वन। तो कॉस एक्स मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो मैक्सिमम हो गई तो कितना हो जाएगा? वन माइनस टू, तब भी जीरो नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। क्या हो जाएगा इसका डोमेन? ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रखो। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कभी, ध्यान से सुनो, ऐसा हो गया कॉस एक्स माइनस टू हो गया, अंडर रूट में आ गया, तो कुछ भी वैल्यू रखोगे आप, कुछ भी रखोगे, पर कॉस एक्स वन से कभी बड़ा होगा नहीं। जब कॉस एक्स वन से कभी बड़ा नहीं होगा तो इसकी जो भी मतलब वैल्यू होगी, जब ये वन से बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू वन होगी, तो वन माइनस टू कितना होगा? नेगेटिव। और छोटी रखेंगे तो और नेगेटिव आएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने नहीं देना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसमें कुछ भी रखेंगे सब नेगेटिव होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा फाइव, कि इसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो जाएगा, छोटी छोटी सी बातें आप सीखते चले, मेरा साथ देते रहें, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। ऑल रियल नंबर्स क्यों? ऑल रियल नंबर्स इसलिए हो जाएगा दोस्तों कि कभी भी 2 माइनस कॉस एक्स नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए कॉस एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होना पड़ेगी, और कॉस एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक होती है, साइन एक्स की वैल्यू यही होती है, और टेन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? तो टेन एक्स यहाँ से होता है, माइनस इसी के नीचे लिख दूँ, माइनस इन्फिनिटी लेस देन टेन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। टेन में फिर ज़्यादा सोचना है, क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये थी इससे रिलेटेड डिस्कशन। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी मैं सिखाऊंगा, आप साथ बने रहेंगे, मेरी यही आपसे सद्भावना है, मेरी बेस्ट विशेष है। आप देश के नाम पे आगे बढ़ें, देश को आप ऊंचाई पे ले जाएं, एक बड़ा मिशन रखें देश के लिए, सबके लिए, लीड लें, इसको जीरो रख दें। साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? रूट थ्री बाय टू। तो साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाय टू कब होती है? तो साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है साइन 60 डिग्री पे, साइन पाई बाय थ्री पे। तो ऑल रियल नंबर्स में से पाई बाय थ्री माइनस कर दें क्या? नहीं 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 भाई नहीं, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसा होता है? तो साइन का ग्राफ देखो आप कैसा होता है, साइन का ग्राफ यूं चलता है, ये भी देखो कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ऐसी ऐसी लाइन बनाएंगे आप कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अभी हम तो मौके की बात कर रहे हैं। रूट थ्री बाय टू कहाँ होता है? वन से नीचे होता है, वन से नीचे। रूट थ्री बाय टू यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स हो रहा है। तो वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स वाली वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो वो वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी पता होना कि साइन एक्स अगर आपके पास क्या है, साइन पाई बाय थ्री है, तो साइन एक्स, तो वो आपको फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। अगर ये भी नहीं आता है, कि ये भी नहीं आता, आप बिल्कुल घबराए नहीं, इसका भी वीडियो है, आप उसको भी देखिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो नंबर तो दिया ही है, आप उस पर लगा लें। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। अब लिखेंगे कैसे? तो डरने की बात नहीं, ऑल रियल नंबर्स में से वो एक्स माइनस करो। कैसे एक्स? जिस एक्स में ऐसा है एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा। एन कौन? एन बिलोंग्स टू जेड। एन क्या है? एन इंटीजर होना चाहिए।
अगर n इंटीजर है वो सारे x अगर इसमें से माइनस कर दिए तो फिर हमको इसका डोमेन मिल जाएगा। किसका डोमेन मिल जाएगा दोस्तों? इसका डोमेन मिल जाएगा 2 sin x - √3 का। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका भी बनाना, 2 cos x - 1 का बनाना, उसमें cos θ = cos α लगेगा। आप एक दो बार लिख के देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू हो जाएगी? ये होती है उसमें, ठीक है। टेन वाला भी लिख दूं क्या आपको? tan θ = tan α का, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। sec थीटा का नहीं, sec की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि sec का cos का उल्टा होता है sec। तो मान लो अगर आपके पास ऐसा आ गया, क्या आ गया आपके पास? sec x = 1 आ गया, तो आप इसको उल्टा कर देना, cos x = कितना हो जाएगा? 1, फिर cos का ही केस लगा देना, ठीक है। तो sec को sec उसके लिए नहीं लिखे और ये सबके लिए लिख दिए। अब स्क्वायर्स के थोड़े अलग होते हैं, फिर उन पर डिस्कशन करेंगे। अब आपका अगला केस है, देखो दोस्तों, f(x) = sin log √2 - x²। ये सब जेई के क्वेश्चन है, आप अपनी बुक उठा करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन ये जो है जेई के। और अब आपका इतना सुंदर बेस बन गया, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और दोस्त को रिकमेंड करके ही भेजें कि भाई पूरा वीडियो देखना और उसके बाद फिर मुझको बोलना। अब अंडर रूट में क्या चीज़ है? तो अंडर रूट में 2 - x² क्या होना चाहिए? > 0। दूसरी चीज़ है 1 - x क्या होना चाहिए? ध्यान दे दो। तो log x के बारे में भी आपको थोड़ी सी बात बताना पड़ेगी कि log x क्या चीज़ है। log x, अब इसमें बेस e मान लीजिए, बेस इसमें e है, log लिखा है और बेस log बेस e ले सकते हैं। e की वैल्यू आपको मालूम है 2.73 होती है। log का बेस यहाँ 10 भी अगर मानेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। और ln लिखा हो, ln का मतलब होता है log का बेस कितना है? e। ln x लिखा है तो इसको पढ़ते हैं ln x। कैसा पढ़ते हैं? ln x। इसको log का बेस क्या होता है? e। e की वैल्यू होती है 2.73, है ना। ये भी रैशनल नंबर है, पाई के जैसा है। तो ये हो गया। और यूजुअली आपको देते हैं, जब log x दे देते हैं तो बेस उसमें क्या दे देते हैं? 10। तो 10 बेस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, e बेस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा कंसेप्ट है। पर log की क्या खास बात है, देखो ध्यान से सुनो, log x का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो log x का फॉर्मेशन देखने के लिए आप, log x का फॉर्मेशन ऐसा होता है, ध्यान से देखो। चलो मैं आपको एक लाइन में बोल ही देता हूं। जैसे आपके पास लिखा है 10^2 = 100, तो ऐसा लिखेंगे log 100 और उसका बेस 10। ये बेस कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10। और ये जो आउटपुट है ये कहाँ चला जाएगा? ये आउटपुट यहाँ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? log 100 बेस 10 = 2। तो ऐसे देखें आप, 10 की कौन सी पावर 100 है? तो 10 की सेकेंड पावर 100 है। अब पढ़ना सीखो, ऐसा लिखा है log 1000 लिखा है और यहाँ पे बेस 10 लिखा है, तो 10 की कौन सी पावर 1000 है? थर्ड पावर। log यहाँ पे e लिखा है, यहाँ पे e लिखा है, तो e की कौन सी पावर है? पहली पावर है। log a^2 a की कौन सी पावर है? ये याद कर लो आप, ये याद भी रखना पड़ेगा आपको। log, ध्यान से देखना आप, log यहाँ पे लिखा 1 a^2 a की कौन सी पावर है? और log के बारे में स्पेसिफिक बातें करेंगे, पर ध्यान से सुनिए, 2^-3 हो तो क्या होगा? 1/8। अब log में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? log 1/8 क्या होगा? 0.125। बेस कितना? 2। आंसर कितना? -3। पर यहाँ पे कभी भी फिर से सुन लो, यहाँ पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं नेगेटिव आएगी? यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी। तो 2 की अगर माइनस पावर होगी तो भी ये प्लस होगी। और 2 की अगर पावर क्या है, ध्यान से देखिए, 2 की पावर क्या है? 3 है। 2 की पावर 3 है 8, तो भी ये प्लस है। 2 की पावर -3 है तो भी ये प्लस है। 3 की पावर -7 है तो भी ये क्या है? प्लस है। और बेस जो है ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। बेस भी कैसा रखना है आपको? बेस भी आपको पॉजिटिव रखना है।
और ये वाली वैल्यू कभी भी आपकी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो लॉग के अंदर याद रखो कि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आएगी। तो 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप इसको बना ले, और अगर हो सके तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज का जो मैंने चैप्टर बोला है आपको, वो आप मेरा वीडियो जरूर देख लें, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका बनाएंगे रूट टू माइनस एक्स रूट टू प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पर इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि लॉग के अंदर ध्यान से सुनो, यहाँ 0 कभी नहीं आ सकता, लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ 0 होने के लिए 3 टू द पावर समथिंग, मान लो यहाँ पे बेस कितना 10 है, चलो तो 10 टू द पावर व्हाट इज 0, भाई ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे कौन आ गया 10, तो आंसर क्या हो जाएगा व्हाट, तो 10 की पावर कौन होगा, 10 की पावर में माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, 1 अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, 10 बहुत बड़ा नंबर, 10 की पावर इन्फिनिटी बड़ा बड़ा बड़ा, तो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो लॉग के अंदर 0 भी नहीं आएगा। ठीक, तो अब अपने पास है रियल लाइन, ये रियल लाइन बना दी, कहाँ से कहाँ तक बना दी रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक बना दी। पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं अपन, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक्स को पॉजिटिव बना दें, सारे एक्स पॉजिटिव बना देंगे तो ध्यान से देखो, फिर ये ऐसा हो जाएगा आपका, ध्यान दो, अगर इसका माइनस कॉमन लेके वहाँ भेज देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, और माइनस अगर उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है क्या मेरी बात आपको, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। क्रिटिकल वैल्यूज जो है आपके पास ये दो आएगी, एक तो आएगी माइनस रूट टू, एक आएगी आपके पास प्लस रूट टू। फिर से समझ ले, क्रिटिकल वैल्यू दो आएगी आपके पास, एक आएगी इससे रूट टू, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको जीरो से इक्वेट करना, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको भी जीरो से इक्वेट करना, तो एक्स की वैल्यू आएगी रूट टू और एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू। अब रूट टू से बड़ी वैल्यू आप जो भी रखोगे, जैसे 3 रखी, तो 3 रखो तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इस तरीके का ये बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप इसके बीच की भी रखना, इसके बीच की भी रखना, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जैसे वेव मिलती है वैसे मिल जाएगी आपको, यूं करके यूं। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जो अपना इंटरेस्ट है मतलब, तो इसमें इक्वल टू 0 भी हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये लॉक के अंदर है। अगर ये लॉक के अंदर नहीं होता, खाली इतना ही होता, खाली कितना होता, इतना होता, तो फिर हमको क्या लेना पड़ता, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लेना पड़ता, 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। और 1 माइनस एक्स में क्या लेते हैं, 1 माइनस एक्स नॉट 0, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना जो इंटरेस्ट है दोस्तों, वो कहाँ तक का इंटरेस्ट है, देखो अपने इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है अपने को, लेस देन 0, यानी अपने को ये वाला पार्ट चाहिए। कौन सा वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के भी देता हूँ, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कर लोगे, वो ऐसा वाला है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता आपके पास, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर उस केस में कितना हो जाता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर आपका आंसर ऐसा आ जाता, जैसा ये वैसे ही उसको भी करना, लेकिन आपका आंसर यहाँ से यहाँ क्लोज आता। क्यों क्लोज आता, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 भी ले सकते थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी देखिएगा, ये ट्राई करिएगा, जगह की कमी है ये तो आपको मालूम ही है, तो कोई बात नहीं इसमें। अपने को कहाँ से कहाँ तक इंटरेस्ट है देख लो आप, अपने को इंटरेस्ट है माइनस रूट टू से रूट टू में इंटरेस्ट है। फिर ये क्या कहना चाहता है, इसको भी जरा सुन लेते हैं। वो कहता है कि 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, x, मतलब x लेस देन क्या होना चाहिए, 1। तो ये तो 1 पॉइंट कितना, 1.4 समथिंग होती है वैल्यू इसकी, 1.41। अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए, लेस देन 1, तो लेस देन 1 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 1, और 1 से भी छोटा चाहिए, ये 1 से भी छोटा चाहिए, तो अपना आंसर कहाँ आएगा, माइनस रूट टू से लेके 1 तक। तो ये इसका आंसर है, माइनस रूट टू टू 1, ओपन इंटरवल। ये सारी x की वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। इसी कनेक्शन में जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो ये वाला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, रूट ऑफ एक्स प्लस 1
एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पर जो नीचे वाली चीज है वो उसमें x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब आप तो ऐसे ऑल इन ऑल पहले ऐसा ले लो, अब इतनी दिमाग नहीं लगाते अपन, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको जीरो रखो माइनस वन, इसको जीरो रखो थ्री, इसको जीरो रखो टू, माइनस वन इधर आएगा, टू इधर आएगा, थ्री इधर आएगा, x के सारे कोफिशियंट पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, थ्री से बड़ी वैल्यू ले लो आप, यहाँ से प्लस आएगा, प्लस माइनस ऐसा चलेगा। अपने को किस में इंटरेस्ट है, अपने को ये वाली साइड में इंटरेस्ट है जो पॉजिटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, थ्री, थ्री कहाँ का पॉइंट है देख लो आप, थ्री न्यूमरेटर का पॉइंट है, तो थ्री रख सकते हैं इसमें, थ्री रख सकते हैं तो ये वाली चीज आएगी, थ्री रख सकते हैं, इस वाले में देखो टू रख सकते हैं क्या, ये वाला भी एरिया लेना है, इसमें टू रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते क्योंकि टू डिनोमिनेटर में। आप लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज आईआईटी जेई के हिसाब से ही बनाया हुआ है, जिसको आप फंडामेंटल टॉपिक भी कहते हो, तो वो मैंने बना रखा है, आप उसको एक बार जरूर देख लें, तो आपको इस तरीके के सारे कंसेप्ट माइनस वन पे रख सकते हैं, क्योंकि वही की वही सेम डिस्कशन यहां करना और ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। तो ये माइनस वन से लेके आपका डोमेन हो जाएगा, इसमें माइनस वन कॉमा टू यूनियन, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूनियन, यूनियन सेट्स में आप समझते हो क्या होता है, थ्री टू इन्फिनिटी, ये आपका हो गया। अब इसमें से बीच, इसके उसमें से कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये देखिए, थ्री साइन पाई स्क्वायर बाय 16, ये क्वेश्चन ले लें अपन, अगर ये क्वेश्चन ले लें तो इसका इससे बहुत अच्छा तालमेल है, इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, केवल इसमें नाइन लिखा है इसलिए अपने को सरल लग रहा था, ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया है, देखो वैसे ही है, अंडर रूट के अंदर है तो क्या होना चाहिए, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ऐसे ही बना दें, पाई बाय 16 माइनस एक्स, पाई बाय 16 प्लस एक्स, मैंने आपको क्या बोला, आप x का कोफिशियंट पॉजिटिव बना लो, वो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लो, पाई लिखा तो डरने की कोई बात थोड़ी है, अब माइनस को उधर भेज दो, पाई मतलब क्या हो गया 22/7 हो गया ना, डरो मत इससे कि ये कैसे मैं मार्क करूंगा, ये बिल्कुल आसान है, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अपने पास ये, मैं पाई में लिखता हूँ, अब तो वैल्यू तो आ ही जाएगी, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू हो गई माइनस पाई बाय 16, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी पाई बाय 16, माइनस पाई बाय 16 से छोटी वैल्यू लो, तो वो सॉरी यहीं से रखना चालू कर दो ना आप, यहाँ से प्लस माइनस प्लस यहाँ से रखना चालू करो आप, तो यहाँ से आपका प्लस चालू हो जाता है, प्लस माइनस प्लस, तो फिर ये आपका आ गया, और ये वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं ना, यहाँ इक्वल टू लिखा है तो इंक्लूड कर दो, तो ये इंक्लूड कर दो, तो आपका आंसर आ गया, कहाँ से कहाँ तक, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से दिस यूनियन, क्या आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया माइनस, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस पाई बाय सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू सॉरी लेस देन वाला, ओ माय गॉड एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी, अपने को नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है ना, इसमें लेस देन जीरो लिखा है, तो अपने को ये वाला पोर्शन लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखना है, माइनस पाई बाय 16 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पाई बाय 16, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा था ना, तो ये वाला नहीं लेना अपन को, ये वाला लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, एक्सट्रीमली, और अगर उल्टा होता तो वैसा ले लेते, एक्स स्क्वायर माइनस वैसा होता तो फिर वो ले लेते ये वाला और ये वाला, माइनस पाई बाय 16 पाई बाय 16, ये था हमारा दोस्तों इसका जवाब, बिल्कुल आसान है, आप देखते जा रहे हो और आपको समझ में आता जा रहा है, इससे कोई खुशी की बात ही नहीं, इससे कुछ अच्छा नहीं है, नथिंग ग्रेटर देन दिस। और बच्चे अगर सीख रहे हैं तो रियली मेरे जीवन की सार्थकता हो रही है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो दो बातें ध्यान रखेंगे अपन, क्या ध्यान रखेंगे इसके लिए, कि एक तो एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होना, मैंने लॉग के अंदर हमेशा याद रखो, लॉग के अंदर कुछ भी हो जीरो से बड़ा होना,
फिर अगर लॉग नीचे आएगा तो फिर और डिस्कशन करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू क्या होना, तो इससे पता चला कि एक्स ग्रेटर देन माइनस टू होना। ये क्या होना, ये अंडर रूट में तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू जीरो नहीं होना, तो जीरो कब कब होता है, ये इसको फैक्टराइज कर लिया, एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस टू पे होती है, तो ये हटा देना अपन को। अपने को क्या बोल रहा है कि भाई माइनस टू से बड़ा होना, माइनस टू से बड़ा, तो ये माइनस टू से बड़ा, इसी पे बात करो। माइनस टू से बड़े में माइनस टू तो आ ही नहीं रहा, तो इसकी कोई चिंता नहीं, इसमें माइनस वन आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस टू के बाद यहाँ पे माइनस वन आता है, तो माइनस वन को हटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू टू इन्फिनिटी माइनस वन, या फिर ऐसा लिखो माइनस टू टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख दो। दोनों केस में हमने क्या कर दिया, माइनस वन को बीच में से हटा दिया, बस काम बन गया, ये इसका डोमेन हो गया, तो कोई खास बात है नहीं इसमें। अब आपको जब बेसिक से बात समझ में आई तो आपको कोई दिक्कत लगेगी नहीं, ये मेरा दावा है। अब आपके पास है इन्वर्स, अगर आपने इन्वर्स नहीं देखा तो आपको थोड़ा सा दोस्तों इन्वर्स देखना पड़ेगा, तो इन्वर्स के लिए फिर वही मेरी सलाह है कि वीडियो, लेकिन अभी तो मैं आपका काम बना देता हूँ। साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू बेस टू, तो इसमें साइन इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू होती है, ये साइन इन्वर्स का डोमेन जो होता है, इसमें एक्स की वैल्यू माइनस वन से लगा के कहाँ तक होती है, प्लस वन तक होती है, तो ये भी आपका ऐसे ही हो गया, क्या हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर बाय टू बेस टू माइनस वन से वन। अब मैं लॉग को वापस से रीडिफाइन करता हूँ, अगर ए टू द पावर एक्स इजिकल टू वाई लिखा है, या पी क्यू में कर देता हूँ, ए टू द पावर पी इजिकल टू क्यू लिखा है, तो लॉग को कैसे लिखेंगे, लॉग क्यू टू द बेस ए इजिकल टू क्या लिख सकते हो, पी, लॉग क्यू टू द बेस ए इजिकल टू पी लिख सकते हो, फिर से लॉग, फिर या इसको ऐसे समझो, ऐसे वाले को ज़्यादा समझ लोगे आप, ऐसा लिखा है लॉग 100 बेस 10 लिखा है, तो 10 की कौन सी पावर 100 है, तो 10 की सेकंड पावर, तो ऐसे लिखते हैं 10 की दिस पावर 10 की 2 पावर इज इक्वल टू जो लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ भी ऐसे ही चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा और ये 2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर जा करके क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर उधर जाके 1 हो गया, ध्यान से देखो 2 टू द पावर उधर जाके क्या हो गया 1 और वो जा करके हो गया 1 वो। अब आपका एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 1 बाई 2 से, और एक्स स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो अब आप ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए, 1 बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 बाई 2 से बड़ा, तो 1 बाई 2 से बड़ा क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप 1 बाई 2 से बड़ा तो 1 बाई रूट 2 होता है ना, लेकिन आप यहाँ माइनस 1 बाई रूट 2 भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये देख के देखें, आप माइनस 1 बाई रूट 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस 1 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 बाई 2 होता है, और माइनस 1 बाई रूट 2 मतलब ये कितना है आपके पास, माइनस 1 4 पॉइंट कितना है 1 है, और आप इधर जाएंगे इस तरफ जाएंगे, सॉरी 1.4 है, इस तरफ जाएंगे आप, जैसे माइनस 1 आएगा आपको, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो वो इसके इसमें फिट बैठ जाएगा। और ध्यान से देखिए, और क्या क्या होना चाहिए आपका, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा मतलब किससे छोटा होना चाहिए आपका, रूट 2 से छोटा, किससे छोटा होना चाहिए, फिर से सुन लें आप, किससे छोटा होना चाहिए आपका, रूट 2 से छोटा होना चाहिए। अब अगर इसको प्लस 1 बाय रूट 2 लिखते, प्लस 1 बाय रूट 2, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी है इसके अंदर, इसके अंदर है ना, देखो आप इसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर अगर अपन ऐसा लेते माइनस, ध्यान से सुनिए आप, माइनस पूरा अच्छे से समझ लें, या फिर एक काम करते हम, इसको दो पार्ट में कर लेते तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, दो पार्ट में कर लेते हैं, ध्यान से सुने, इसको कर देते हैं 1 बाय 2, एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया,
इसको बना दिया अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय रूट टू स्क्वायर, और अभी इसको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, इसको उधर भेज दिया तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास, या इसको ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय रूट टू, इसके फैक्टर बना लें एक्स माइनस वन बाय रूट टू एक्स प्लस, ठीक है ये बना लिया आपने। अब इसको इसका वही आपका माइनस प्लस माइनस वाला जो चक्कर है वही वाला लेना पड़ेगा आपको, कि इसमें आपने इसमें सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज ग्रेटर और दिस, तो ठीक है तो ये आपका क्या हो गया माइनस वन बाय रूट टू हो गया, ये कितना हो गया आपका प्लस वन बाय रूट टू हो गया। तो वन बाय रूट टू से बड़ी वैल्यू ले लें आप, वन बाय टू से बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का झगड़ा चलेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये तो कहता है कि आपको इधर की भी ले लो वैल्यू, और ये कहता है इधर की भी वैल्यू ले लो, किधर की वैल्यू ले लो इस साइड की सारी ले लो और इस साइड की भी सारी ले लो। अब ये क्या कहता है इसको भी सुन लो जरा, ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा, ये बन गया माइनस रूट टू, ये बन गया प्लस रूट टू, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारे एक्स पॉजिटिव रखना है पहले तो, लेकिन अपने को किस में इंटरेस्ट है नेगेटिव वाले में, यहाँ से लेके यहाँ तक में इंटरेस्ट है, कहाँ से लेके कहाँ तक में इंटरेस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक में इंटरेस्ट है। तो वही चीज़ जो यहाँ पे बनी है वो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो माइनस रूट टू कहाँ होगा, ये कौन सा है माइनस वन बाय रूट टू है, ध्यान दे लेना आप, ये कौन सी वैल्यू है माइनस वन बाय रूट टू है, तो माइनस रूट टू आपका यहाँ पे आएगा, ठीक, और प्लस रूट टू आपका कहाँ आएगा, ये क्या कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक की सब लो, ये क्या कह रहा था कि यहां से आगे की लो, ये क्या कह रहा था यहां से आगे की लो। तो जो कॉमन बात है वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है वन बाय रूट टू से लेकर के कहां लो रूट टू लो, और माइनस रूट टू से कहां कर कहां तक की ले लो, फिर से सुन लो आप, माइनस रूट टू से कहाँ तक की ले लें अपन, देखो माइनस रूट टू से कहाँ तक की ले लें माइनस वन बाय रूट टू तक, तो ये अपना हो गया माइनस रूट टू से लेके कहाँ तक ले लेंगे माइनस माइनस रूट टू से लेके माइनस वन बाय रूट टू और यूनियन वन बाय रूट टू से लेके कहाँ तक की ले लेंगे हम रूट टू तक की ले लेंगे। आप देखो इसको इसमें से सारी वैल्यूज ऐसी हैं, ऐसी सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे जीरो नहीं ले सकते अपन, जीरो स्क्वायर लेस देन टू तो है, पर जीरो स्क्वायर दोस्तों ग्रेटर देन वन बाय टू भी होना चाहिए, पर वो नहीं है इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये मैं इसको अब रख कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्वर्स और डिस्कस करेंगे हम, आप साथ बने रहेंगे तो सारी बातें हम डिस्कस कर पाएंगे। इधर देखिए आप, इसमें एक और खास बात है, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, तो जो डोमेन है एफ ऑफ एक्स का वो डोमेन ऑफ जी भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन होना चाहिए। तो जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही, बस ये लिख दिया है मैंने और आप कर वैसे ही रहते। तो इसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या होना चाहिए आपका, एक्स क्यूब माइनस एक्स लॉग के अंदर है तो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक, एक्स प्लस माइनस टू नहीं होगा और ये जीरो से बड़ा होना, तो ये जीरो से बड़ा होना तो ये तो यहीं पे एक झटके में बन जाएगा आपका, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सारे एक्स पॉजिटिव है क्या, एक्स के कोफिशियंट पॉजिटिव है, ठीक है पॉइंट्स लिख लें आप, यहाँ माइनस वन आएगा यहाँ जीरो आएगा यहाँ वन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सबकी पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने की बात है। आप लीनियर इनक्वालिटीज़ का वीडियो देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, सब की पावर ऑड होना चाहिए।
तो प्लस माइनस प्लस, अपना कहाँ इंटरेस्ट है दोस्तों, इस तरफ इंटरेस्ट है प्लस की तरफ, इधर इंटरेस्ट है, इधर इंटरेस्ट है। ये क्या बोल रहा है कि एक्स की ये वैल्यू वैल्यू मत लो, कौन सी नहीं लो, प्लस टू माइनस टू मत लो। तो प्लस टू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है क्या प्लस टू, तो यहाँ से प्लस टू को हटा दो। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू कौन सी, माइनस टू, माइनस टू तो यहाँ आ रही है, इसमें आ ही नहीं रही है, तो छोड़ो उसको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा माइनस वन टू जीरो यूनियन वन टू टू यूनियन, टू को हटाना है ना, तो टू को दोनों से बाहर करना पड़ेगा। तो हटाने का ही तरीका, ओपन 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 लगा के दोनों तरफ से हटा दें। तो ये था दोस्तों हमारा इसका आंसर। अब आपके पास है टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर वाई इज इक्वल टू टू, टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर वाई इज इक्वल टू टू, तो हो जाएगा टू टू द पावर वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू टू द पावर एक्स। अब आप ये समझो, ए टू द पावर पी इज इक्वल टू ए टू द क्यू लिखा रहता था, तो मैंने क्या लिखना सिखाया था आपको, लॉग क्यू बेस ए इज इक्वल टू कितना, पी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, इसका कैसा हो जाएगा, क्यू कौन है आपका, क्यू है आपका ये, पी कौन है ये वाई। तो ये आ गया आपके पास, अब आपको क्लेरिटी आएगी y इज इक्वल टू लॉग टू माइनस टू टू द पावर x बेस टू। अब टू माइनस टू टू द पावर x क्या होना चाहिए आपका, टू माइनस टू एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टू टू द पावर x। टू टू द पावर वन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टू टू द पावर एक्स क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, वन। तो क्या आ गया आंसर इसका, माइनस इन्फिनिटी टू वन, माइनस इन्फिनिटी टू वन। अब मेरा दोस्तों एक चैलेंज है आपको, एक क्वेश्चन है जिसको मैं चाहता हूं आप अपना दिमाग लगाएं और लगा करके मुझे बताएं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सो दैट यू विल राइट एट लीस्ट ऑन माई दिस नंबर, और नहीं है तो फिर मैं आपको अगली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और हम रेंज डिस्कस करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्टिबिलिटी को ही बाइजेक्टिविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। तो दोस्तों आपके लिए दो मैं और वीडियोस लाऊंगा कम से कम, जिन दो वीडियोस में मैं इस टॉपिक को, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट से ज़्यादा हम ले चुके हैं आपका, ये क्वेश्चन मैं पर्सनली चाहता हूँ आप अपने दिमाग से ट्राई करें और मुझे लिख भेजें। और मेरी दोस्तों आपको बेस्ट विशेष हैं, चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, और जितनी मेरी बात आपको समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि मुझे एक एनकरेजमेंट मिलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई डाउट होगा, कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई समझाने में, कोई समझने में, कोई कम्युनिकेशन में कोई गैप रह गया होगा, तो We together will overcome those difficulties. My best wishes are with you और wish you all the best. देश के लिए आगे जाना है, देश को आगे ले जाना है और चैनल को आगे बढ़ाना है. All the best again.